press the bell icon on the YouTube app and never. श्री कृष्ण की कोई बहुत बड़ी मंदिर जो है वो अखिलेश यादव जरूर बनवाएंगे, क्योंकि यादव का रिश्ता डायरेक्ट श्री कृष्ण से बनता है, मुझे ऐसा लगा था। पर ये तो उल्टा ही हो गया। 37 सीटें जैसे ही जीत कर आए हैं, पवन यादव की हुड़दंग बाजियां स्टार्ट हो गई हैं, और कहीं ना कहीं मोगलिया सल्तनत का जो नेचर है और औरंगजेब फैन क्लब के जो ये नेता हैं, वो मोहम्मद अरबाज उसका फायदा खुले आम उठा रहा है। पर हाँ, मानना पड़ेगा हमारे योगी जी को, मानना पड़ेगा कि किस हिसाब से वो उस राज्य के कानून व्यवस्था को की डोर को खींचते हैं और पकड़ते हैं जोर से। एक ही झटके में एडीसीपी, एसीपी और ना जाने इंस्पेक्टर इंचार्ज, तीन कांस्टेबल और ना जाने कितने पद अधिकारी जो ऑफिसर हैं, वो सस्पेंड हो गए। अब ये जो इग्नोरेंस नेचर की कार्रवाई है सारे पुलिस ऑफिसर्स पर, ये भी शायद योगी महाराज जी जरूर करेंगे। दो लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी लोगों की खोज चल रही है। और सभा में विधानसभा सभी को जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो सशक्त, बहादुर और शिक्षित महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हम सबकी चहेती सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार नाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद अंजू जी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। जय हिंद नाज़िया जी। तहजीब का शहर बोलते हैं लखनऊ को, और वहां पर बुधवार शाम को बारिश के बाद जिस तरह की तस्वीर सड़क पर देखने को मिली है, जिस तरह की हुड़दंगबाजी हो रही थी, उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। देखिए, 37 सीटों का नगाड़ा, 37 सीटों का जश्न, 37 सीटों का जोश और 37 सीटों की हुड़दंगबाजी अब पवन यादव और मोहम्मद अरबाज नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा अंजू जी? नाम भी तो सुनिए ना, पवन यादव। मैं तो मुस्लिम हूं, पर मैंने पढ़ा था कि श्री कृष्ण के वंशजों में यादव आते हैं। मुझे तो ऐसा लगा था कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री कृष्ण की कोई बहुत बड़ी मंदिर जो है वो अखिलेश यादव जरूर बनवाएंगे, क्योंकि यादव का रिश्ता डायरेक्ट श्री कृष्ण से बनता है, मुझे ऐसा लगा था। पर ये तो उल्टा ही हो गया। 37 सीटें जैसे ही जीत कर आए हैं, पवन यादव की हुड़दंग बाजियां स्टार्ट हो गई हैं, और कहीं ना कहीं मोगलिया सल्तनत का जो नेचर है और औरंगजेब फैन क्लब के जो ये नेता है, वो मोहम्मद अरबाज उसका फायदा खुले आम उठा रहा है। पर हाँ, मानना पड़ेगा हमारे योगी जी को, मानना पड़ेगा कि किस हिसाब से वो उस राज्य के कानून व्यवस्था को की डोर को खींचते हैं और पकड़ते हैं जोर से। एक ही झटके में एडीसीपी, एसीपी और ना जाने इंस्पेक्टर इंचार्ज, तीन कांस्टेबल और ना जाने कितने पद अधिकारी जो ऑफिसर हैं, वो सस्पेंड हो गए। अब ये जो इग्नोरेंस नेचर की कार्रवाई है सारे पुलिस ऑफिसर्स पर, ये भी शायद योगी महाराज जी जरूर करेंगे। दो लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी लोगों की खोज चल रही है। और सभा में, विधानसभा में खड़े हो करके बुलेट ट्रेन कैसे चलाया जाता है, इसका जिक्र भी योगी जी ने मुस्कुराते मुस्कुराते दे ही डाला है। मुझे ऐसा आश्चर्य नहीं हो रहा है, जो घटना गोमती नगर के पुलिस स्टेशन के अंडर ज्यूरिस्डिक्शन में हुई है, और जो इतना तहजीब तमद्दन और शराफत का जो एरिया माना जाता है, जहां की बाखरखानी और जहां के टुंडे कबाब और जहां की किचन करी के कुर्ते तहजीब से जुड़े हुए हैं, जहां हिजाब
वाली जिहादन दिखाई देती हैं और टोपी और अब्बा का कुर्ता और बेटे का पैजामा पहने हुए लोग दिखाई देते हैं। वहां ऐसा नंगा नाच मुझे तो शौक नहीं लगा। अब पता नहीं जनता को शायद लगा होगा, पर ये यादव और ये मोहम्मद अरबाज ऐसे कारनामों के लिए ही तो शरिया कानून पर तबला बजाते हुए नजर आते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं नाजिया जी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का चाबुक चला है और उन्होंने जिस अंदाज में इस घटना का जिक्र विधानसभा के अंदर किया, उन्होंने कहा ये सब सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, हम इनके लिए बुलेट ट्रेन चलाएंगे, यानी कि सीधा सीधा उन्होंने कहा जिन्होंने ये हरकत की है खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि एक और घटना जिसका जिक्र पिछले दो दिन से हो रहा है अयोध्या में हुई है, एक नाबालिग दलित बच्ची का गैंगरेप हुआ, 1.5-2 महीने पुरानी घटना है, 30 घंटे तक FIR दर्ज नहीं की गई और वो जो आरोपी है वो भी समाजवादी पार्टी का नेता है। पहले मैं आपको 2 लाइन और कानूनी तरीके से समझा दूं, ये पवन यादव और मोहम्मद अरबाज के गुटबाजियों के लिए, इन्होंने मोलेस्टेशन को अंजाम दिया है कानून की आंखों में धूल झोंकने का काम करके, ताकि लोग ये सोचे और कानून ये सोचे कि छेड़छाड़ कर रहा था और पानी में उछल कूद करके पानी के छींटे मार रहा था, इसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज या मोलेस्टेशन जैसी चीजें ना समझ में आए या ना नजर आए। तो ये जो रेप जिहाद है, ये जो मोलेस्टेशन जिहाद है, ये पानी में छुप करके कोई और शक्ल दे करके ये करने की कोशिश की गई है, पर कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, क्या ही हुआ अगर आंखों पे पट्टी लगी होती है, पर कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और समझ में आ गया। आपने एक 12 साल की अनाथ बच्चे जिसके पिता 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी और भाई और बहन मिल करके और माँ मिल करके घर को चला रही थी और छोटी बहन का पालन पोषण हो रहा था, पढ़ाई में काफी तेज थी और 2 साल पहले पिता की मृत्यु के वक्त में बड़ी मायूस रहा करती थी अब तक, और पिछले 1.5-2 महीने से समाजवादी पार्टी के और अवधेश जी के बहुत करीबी नेता और कई बार हेलीकॉप्टर से और फ्लाइट से उतरते वक्त इन मोईन खान साहब को अखिलेश यादव जी के साथ और डिंपल जी के साथ भी देखा गया है। और हालिया में लोकसभा इलेक्शन के दौरान में जब अवधेश जनाब गए थे अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने के लिए और दुआएं मांगने के लिए, तो ये मोईन खान साहब साथ में थे, सर पे टोपी लगा करके थे। और वो तस्वीरें जो आई हुई हैं अजमेर शरीफ की कि दरगाह के अंदर वो लोग चादर चढ़ा करके दुआएं मांग रहे हैं, तो मोईन खान भी दुआएं एकदम अवधेश के बगल में मांग रहा है। अब बात आती है कि समाजवादी पार्टी की नजरों में औरत का क्या रुतबा है, ये तो मुलायम सिंह यादव ने गाहे बगाहे अपनी शब्दावली से अपने स्टेटमेंट से बताया ही था। क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं मुलायम सिंह यादव के उस बयान को भूल सकती हैं कि लड़कियां टाइट जीन्स पहनती हैं तो लड़कों का नौजवानों का मन मचल ही जाता है? क्या उनके मुसलमान बड़े बड़े नेता जो अभी जेल की सलाखों के अंदर हैं, उन्होंने जिया पर्दा के अंडरवियर खाकी है कि कौन से रंग का है ये झांका नहीं था, बिल्कुल झांका था। क्या उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी यादव परिवार के नेतृत्व में चल रही थी और पूरा उत्तर प्रदेश इस बात से जाना जाता था कि कौन से हिंदू के घर में खूबसूरत बेटी जन्म ली है और 10-11 साल होने पर उसको अगवा करके, उसको किडनैप करके उसका गैंगरेप करना है, ये तो होता ही था। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जब तक उत्तर प्रदेश चल रहा था तब तक माँ बहने अपने कान में सोने का कुछ एयरिंग या गले में सोने का मंगलसूत्र नहीं पहन पाती थी, यहाँ तक के चांदी का छल्ला और चांदी का पायल भी अपने पैर में नहीं पहन पाती थी, क्योंकि उस चांदी को लूटने के लिए औरत के इज्जत को पहले लूटा जाता था और फिर उस चांदी के पायल को भी लूट लिया जाता था। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है
कि अवधेश जिसका नाम हिंदू का है, अवधेश जिसको बार बार परिचय करवाया है लोकतंत्र के मंदिर के बाहर में अखिलेश यादव जी ने कि ये तो राम भगवान के स्वरूप यहाँ पर खड़े हैं, ये वही अवधेश हैं जो आज इस बलात्कार की घटना पर मीडिया के सवाल पर हिंदी बोलते बोलते लड़खड़ा गए तो अंग्रेजी को तोड़ फोड़ करके उन्होंने बोलने की कोशिश की और तुरंत कन्नी कटा ली। मैं पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी मणिपुर पर छाती पीटते हैं, राहुल गांधी जी मणिपुर पर अपनी सत्ता को गरम करते हैं, राहुल गांधी जी मणिपुर की बेटियों पर बड़ा आंसू बहाते हैं, बड़ा मातम करते हैं, आज ये 12 साल की बच्ची के साथ जो ये दूरदशा समाजवादी पार्टी के नेता ने किया है और अखिलेश यादव और अवधेश के जिगरी दोस्त ने किया है, सर पे टोपी लगा करके सुन्नते रसूल की दाढ़ी रख करके किया है, इस पर राहुल गांधी जी के मुंह में लेमन चू। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाजिया लाई खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, खासकर नाजिया खान जी ने जो भी इन जिहादियों के बारे में कहा, खासकर आपने देखा कैसे नाजिया खान जी भड़की, जो भी ऐसे लोग गिरे हुए काम करते हैं और आते जाते लोगों को तंग करते हैं। हम जानते हैं कि लखनऊ में जो भी हुआ वो काफी शर्मसार करने वाला था और आजकल वो हमारे देश में हेडलाइन भी बनी हुई है और हम जानते हैं कि यूपी में और जो पूरा थाना है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और ये भी खबर सामने आ रही है कि ज्यादातर जितने भी आरोपी थे उनको पकड़ लिया गया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।